हम बेगुन कल सिंधी बलोच को मिकार कुनन के आजाद करो। हम बेगुन कल सिंधी बलोच को मिकार कुनन के आजाद करो। हम बेगुन कल सिंधी बलोच को मिकार कुनन के आजाद करो। इंसाफ दायो के आजाद करो। इंसाफ दायो। आज जो मैं और मेरे साथी सिंध सभा की तरफ से 1 जून से रेगुलर शाम को 5:30 से 6:30 तक कराची प्रेस क्लब गेट पर करते रहे हैं कि सिंध और बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन को जाहिर करो। अगर उन्होंने जुर्म किया है आपके आईन और कानून के मुताबिक, तो आपके आईन और कानून की आपके पास कोर्टें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और छोटी बड़ी कोर्टें हैं, उनको पेश करो। अगर वो मुजरिम है, आप अपने वकील ले आओ, हम अपने वकील ले आते। अगर तुम जीत गए, हम सूलि पर चढ़ जाएंगे। हम जानते हैं कि तुम ये मुंह पर नकाब पहनकर हमारे घरों में इसलिए घुसते हो क्योंकि ये कानूनन जुर्म है जो तुम कर रहे हो, और तुम हमें न अदालतों में पेश करते हो, न कोर्ट, न जेल में हमें भेजते हो, न थाने में पेश करते हो, क्योंकि ये तुम जुर्म करते हो। ये कानूनन जुर्म है जो तुम कर रहे हो, मगर तुम्हारे पास ताकत है और हम कमज़ोर हैं, इसलिए तुम हमारे घरों में घुस के हमारे बच्चे उठाते हो, हमारे माओं बहनों की तजलील करते हो और तशद्दुद करते हो। अब हमारे पास और तो कुछ नहीं है, क्योंकि न हमारे लिए ये कोर्टें कुछ कर रही हैं, न असेंबलियाँ कुछ कर रही हैं। हम ये लोग जो आपके सामने बैठे हैं, हम ये सिर्फ ये नहीं है, हमारे पीछे एक सिंध है। हाँ, अभी वो खामोश है, मगर जिस दिन उसने बोलना शुरू किया तो फिर आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। आप हमारे बच्चों को उठाते हो, तशद्दुद करते हो, हमारे लाशों को रास्तों पर फेंकते हो। कितने लोगों को मारोगे? 6 करोड़ सिंधियों को मारोगे? 6 करोड़ सिंधियों को उठाकर ले जाओगे? तुम तो अपने मुल्क के लोगों को वक्त पर खाना नहीं दे सकते, 6 करोड़ लोगों को कहाँ छुपाओगे? तशद्दुद खत्म करो। हमारा जुर्म अगर कानून में है तो कोर्ट में आओ, देखते हैं तुम्हारी ताकत। तुम बंदूकें लेकर आते हो हमारे घरों में, तुम समझते हो तुम बहादुर हो, तुम तो तनख्वाहदार हो। एक महीने की तुम्हारी तनख्वाह बंद हो तो तुम्हारी सारी मुहब वतनी ख़त्म। हम तो ये पसीना दे रहे हैं, हम ये जो टाइम दे रहे हैं, ये अपने ईमान से दे रहे हैं। और ये सिंध सभा जिसका एक ही मोटो है अभी तक कि सिंध के लापता अफराद को, लापता क्यों, जिनको तुमने उठाया है उनको जाहिर करो, उनके जुर्म है तो अदालत में ले आओ। हम उनके लिए ये 50 घंटे का एहतजाज कर रहे हैं, मगर ये एहतजाज तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ये एहतजाज है सिंध के गूंगे, बहरे और अंधे वजीर आला के खिलाफ। ये एहतजाज है सिंधी मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ, जो कहती है कि ये सिंध से इश्क की इंतहा है, और जो कहते हैं कि हम तब्दीली पसंद है, मगर वो सिंध के वो इश्यूज़ जो उनके ज़िंदगी और मौत के मसाइल हैं वो उनको नहीं उठाते। ये एहतजाज उनके ख़िलाफ़ है, और ये एहतजाज सिंध के दानिश्वरों, अदीबों, शायरों के ख़िलाफ़ है, जो बड़े बड़े शेर गाते हैं, सिंध सिंध करते हैं, शराब पीते हैं, शाम को मुझे डांसिंग करते हैं, हो जमा लगाते हैं, ये उनके ख़िलाफ़ है। जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, मगर सिंध पर जब भी जुल्म जबर होता है तो वो चुप जाते हैं। ये यहाँ पर कौन बैठे हैं? वो माएँ बहनें बैठी हैं, ये छोटे बच्चे बैठे हैं, पठानकोट देहरानी के बच्चे बैठे हैं, वो महफूज नोतगानी का भाई बैठा है, वो इंसाफ दायो की बहन बैठी है, वो नसीम बलोच की मंगेतर बैठी है, और हम सिंध के बच्चे बैठे हैं, हमारे बड़े, हमारे भाई, हमारे बच्चे उठाए गए, वो दानश्वर, वो शायर। ये एहतजाज उनके खिलाफ है, ये उस खामोश सिंध के खिलाफ है जिसको उन दानश्वरों ने और उन लीडरों ने, जिनकी बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़ी बड़े चीगवेरा अबू जिहाद बन के फिरते हैं, उन्होंने सिंध को जो खामोश कर रखा है, ये एहतजाज उस सिंध की खामोशी के ख़िलाफ़ है, उन दानश्वरों, शायरों, अदीबों के ख़िलाफ़ है, ये उस मीडिया के ख़िलाफ़ है जो इश्तहारों के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए सिंध बेच कर बैठ गए। हमारा एहतजाज तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तुमसे क्या एहतजाज करेंगे, तुमसे क्या रहम की भीख मांगेंगे, जिसके पास न तो इंसानियत है, जिसके पास न तो कोई श्रास है, जिसके पास न इस्लाम है, कुछ भी नहीं है। तुम एक दरिंदे की तरह हमारे घरों में घुसते हो रात को, वो भी मुंह छुपा के, क्योंकि तुम डरते हो, तुम जुर्म करते हो, इसलिए
हम तुम्हारे सामने इसलिए बैठे हैं कि हम अपने हक पर हैं और बगैर पगार के, आपकी एक पगार बंद, तुम्हारी मोहब्बत नहीं बंद। आज का ये भूख हड़ताल जो हमने शुरू किया है, ये 50 घंटे आज हमने, ये वैसे तो 12 बजे से शुरू होना था मगर टेक्निकल वजूहात की वजह से ये 1 बजे शुरू हुआ है, इसलिए ये बुध की 3 बजे, दोपहर 3 बजे ये एहतजाज भूख हड़ताल हमारी ख़त्म होगी, मगर इसके बाद भी ये एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। हमारा वो रोज़ाना का एहतजाज जो हम 5:30 से 6:30 तक प्रेस क्लब के गेट पर करते रहते, वो कंटिन्यू रहेगा और उसके साथ हम एक अगला कदम ये उठाएंगे कि पूरी सिंध में जाएंगे, कराची से निकलेंगे, सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके बच्चे जो उठाए गए हैं खामोश क्यों हो। जी सर, अपना मौक़ दे दें, मेहमानी बोल पड़ो और हमारे सिंधी भाइयों ने हम बलोचों ने मिलकर ये केस लगाई है और हम चाहते हैं हमारे सिंधी बलोच पश्चिम हर मकबे पे फिर से हमारे गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें शिरकत करें और सिंधी बलोच में से पसंद के लिए आवाज़ उठाएं ताकि हमें इंसाफ मिल सके और ताकि हमारी आवाज़ आलमी सतह तक जाके पहुँच सके। हम बेगुन कल सिंधी बलोच को मिकार कुनन के आजाद करो, हम बेगुन कल सिंधी बलोच को मिकार कुनन के आजाद करो, हम बेगुन कल सिंधी बलोच को मिकार कुनन के आजाद करो, इंसाफ दायो के आजाद करो, इंसाफ।